वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 7.15 पे ट्रेडिंग करा है जेपी पावर स्टॉक। तकरीबन 5 पैसे की तेजी देखने को मिले सिर्फ जेपी पावर स्टॉक के अंदर। तो कल की बात की यहाँ पे पिछले मीन से वीक में देखा जाए तो बहुत सी वॉलेटली ऊपर नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिले जेपी पावर स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जैसे कि आज गैप डाउन से ओपन हुआ था स्टॉक, गैप डाउन से ओपन होते ऊपर तेजी देखने को मिली और प्रीवियस जो क्लोजिंग है 7.10 लेवल, उसी लेवल पे देख सकते कि रिसेंटली रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका था स्टॉक। और उसको रेजिस्टेंस को रिसेंटली ब्रेकआउट दिया, ऊपर सेटल होता तो ऊपर जाने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो मार्केट कैप जो है 4.87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5,000 करोड़ के नीचे आ चुका है मार्केट कैप। और यहाँ पे पी रेशो जो है 15 का है, जो कि अभी भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पी रेशो। तो पिछले 5 दिनों की ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले 5 दिनों की मोमेंटम देख सकते, कल के दिन में भी गिरावट देखने को मिली थी एंड ऑफ द डे में। तकरीबन सुबह में तेजी पकड़ी थी पर एंड ऑफ द डे में गिरावट हो चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आज भी ओपन होते गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन यहाँ पे पिछले 5 दिनों में 8% से ज्यादा गिरावट हो चुके हैं। यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर नजर डालोगे तो 66 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है यहाँ पे जेपी पावर में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 469 लाख का ट्रेडेड वैल्यू है। तो टोटली बाइंग के लिए 94 लाख क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 62 लाख क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे डाटा आने अवेलेबल है रिसेंटली, तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो देख सकते हो पिछले कई दिनों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिले जेपी पावर स्टॉक में। जो ब्लू कलर की लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, जिसको भी ब्रेकआउट किया, अब ब्रेक करने के बाद उसका भी रेजिस्टेंस लिया, कल भी 7.40 का रेजिस्टेंस लिया जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, और वही से गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी देख सकते कि नीचे आता है तो 7 लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट नहीं, 7 लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर नीचे 6.65 तक जा सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी पावर स्टॉक के लिए।